अगले 5 दिन में मैं कोशिश करने वाला हूँ 10,000 रुपए कमाने की, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे इस फोन से। पर अगले 5 दिनों में मैं 10,000 रुपए नहीं कमा पाया तो ये मेरा दोस्त है, इसके हाथ में एक ट्रिमर है और ये जैसे चाहे मेरे बाल काट सकता है। शायद से इस वीडियो में मैं टकला हूँ और इसलिए मैं इस वीडियो में ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ और साथ में मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस भी सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रोडक्ट, तो मैं मीशो पे गया और वहाँ पे मैं कूल प्रोडक्ट्स ढूंढने लग गया। मैं चाहता था मेरा प्रोडक्ट एकदम यूनिक हो, लेकिन 3 घंटे प्रोडक्ट ढूंढने के बाद भी मुझे कोई भी एक यूनिक प्रोडक्ट नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत यूनिक प्रोडक्ट, एक मिनट ये देखो, लग रहा है ना यूनिक? तो बेसिकली ये गैलेक्सी प्रोजेक्टर है और जब भी तुम इसे अपने रूम में लगाते हो ऐसा लगता है कि तुम लोग कोई दूसरी गैलेक्सी में हो, और ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक था। तो मैं मीशो पे गया और वहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट का एक सप्लायर ढूंढा जो मुझे 650 रुपीज में प्रोडक्ट बेच रहा था, और इस प्रोडक्ट की प्राइस में 1300 रखने वाला था ताकि हम लोगों को 650 रुपीज का प्रॉफिट हो। और मुझे प्रोडक्ट मिल गया था, अब बारी थी वेबसाइट बनाने की। तो मैं सबसे पहले कैनवा पर गया और वहाँ पे मैंने एक लोगो बनाया, और उसके बाद मैं शॉपिफाई पे गया और 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपनी पूरी वेबसाइट बना दी थी और मेरी साइट कुछ ऐसी लग रही थी। और फिर शॉपिफाई से ही मैंने एक 900 रुपीज का डोमेन भी खरीद लिया था, तो मेरी वेबसाइट तैयार थी। लेकिन अब मुझे एक इंस्टाग्राम पेज चाहिए था जिसपे मैं अपने एड्स चला सकूं, तो मैंने इंस्टा पे एक 400 रुपए का अकाउंट खरीद लिया था जिसपे अराउंड 1700 फॉलोअर्स थे, और जब भी लोग मेरे पेज को देखेंगे तो उन्हें ट्रस्ट रहेगा क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है। फिर बस मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज को एडिट किया और अब बारी है इस प्रोडक्ट के वीडियोस बनाने की। तो दूसरे दिन मैं जब उठा मैं भूल गया था कि मेरे को एक फेसबुक पेज भी बनाना है, तो सबसे पहले मैंने वो बनाया। तो अब देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है, और अगर मैं 10,000 का प्रॉफिट नहीं कर पाता भाई 4 दिन पड़े ना जाना अभी इधर से। तो अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन अभी तक हम लोगों ने फेसबुक एड्स चालू नहीं किए, और अगर मुझे फेसबुक एड्स चालू करने हैं तो मुझे उसके लिए वीडियोस चाहिएंगे। तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो आइडियाज लिखे और इनकी स्क्रिप्ट तैयार की। फिर रात होते ही मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस जितने एंटरटेनिंग बने मैं उतने बनाऊं, यहाँ तक कि मैंने एक बाथरूम में भी शॉट लिया है, तो शायद मेरे वीडियोस अच्छे भी बनेंगे और थोड़े से फनी भी रहेंगे। और फिर मैंने सारे वीडियोस को कंपाइल किया और उससे मैंने एक रील बनाई, और फिर मैंने वो रील को इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर दिया, और फिर मैं थोड़ा सा फेसबुक एड्स का काम करने लग गया। ओके, तो अभी 1 घंटा हो चुका है और मेरे रील को सिर्फ और सिर्फ इतने ही व्यूज आए हैं। लेकिन मैंने एक फेसबुक एड बनाया है जो कल तक रिव्यू हो जाना चाहिए, उस पर मैंने 1000 पर डे का बजट रखा है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर 10,000 कमाने हैं हम लोगों को ज्यादा कस्टमर्स के पास पहुंचना हो गया। तीसरे दिन पे मुझे 440 वॉट का एक झटका लगा, और शायद इस झटके से मेरा पूरा चैलेंज बर्बाद हो सकता था। मैंने जो 400 रुपए का इंस्टाग्राम अकाउंट खरीदा था उससे मैं लॉग्ड आउट हो चुका था, यानी कि अब मैं उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता और मेरे जो एड्स थे उस अकाउंट में वो भी नहीं चलेंगे। और फिर मुझे डर लगने लगा क्योंकि 10,000 रुपए अगर मैंने नहीं कमाए तो अब ये चैलेंज मुझे किसी भी हालत में पूरा करना पड़ेगा। तो अगले 3 घंटे तक मैंने उस पेज को रिकवर करने की कोशिश, हो सकता है किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया होगा और उसका पासवर्ड चेंज कर दिया होगा, और शायद मुझे लगा कि ये चैलेंज यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया और हम लोगों ने कुछ ईमेल सेटिंग्स की, और फिर फाइनली वो अकाउंट मेरे पास वापस आ चुका था। लेकिन कल मैंने जो रील डाली थी और जो फेसबुक एड भी डाला था वो दोनों डिलीट हो गए थे। लेकिन फिर बाकी के दिन में मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने थोड़े बहुत वीडियोस को एडिट किया और फिर मैं सो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 3 दिन हो चुके थे और अभी तक मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया था, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है और मुझे 10,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। रुको, मुझे तुम लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी। मेरे चैनल पे 45,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी कि हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं। और मैंने देखा है कि 99% लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और ऐसे वक्त पे कंजूसिंग मत करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुंच जाऊं। तो मैं सबसे पहले सुबह उठा और मैंने अपने जो फेसबुक एड्स है उन्हें अपलोड किया। अब उन्हें रिव्यू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये मुझे भी नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं एड्स 3rd, 4th, and 5th दिन पे चलाऊंगा, लेकिन मेरा 3rd दिन तो पूरा चला गया और 4th दिन भी, और इसलिए मैं अपने एड्स सीधा कल ही लगाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आज मुझे कैसे ना कैसे करके एटलीस्ट 5,000 रुपीज तो कमाने ही पड़ेंगे, नहीं तो कल मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे गया और वहां पे मैं अकाउंट्स ढूंढने लगा जिससे मैं खरीद सकूं। तो फिर मुझे एक इंस्टाग्राम अकाउंट का मैसेज आया था जिसपे 140K फॉलोअर्स थे,
और वो एडमिन उस पेज को बेच रहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7000 में। 7000 प्राइस कम थी क्योंकि वो पेज में ज्यादा एंगेजमेंट नहीं थी, पर तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा नेगोशिएट किया और उसे 5000 तक लाया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन ये अकाउंट खरीदने के टाइम पे मैंने एक ऐसी ट्रिक यूज की जिससे तुम लोगों को 100% पता चल जाता है कि ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट ओनर है ये सच में मुझे पेज बेच रहा है या फिर ये मेरे पैसे ले लेगा और स्कैम कर लेगा। और ये जो ट्रिक है मैं तुम्हें मेरे कोर्स में बताऊंगा। तो मैं दो कोर्सेज पढ़ाता हूँ, एक है इंस्टाग्राम साइड हसल्स, इस कोर्स में मैं तुम लोगों को इंस्टाग्राम के 3 अलग अलग बिजनेसेस सिखाऊंगा, और दूसरा है ई कॉमर्स वाला कोर्स, उसमें मैं तुम लोगों को ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग और एक बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाते हैं वो समझाऊंगा। अगर तुम लोगों को इन दोनों कोर्सेज के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां से तुम लोगों को इन दोनों कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी और वहां से तुम जो चाहो वो कोर्स ले सकते हो, तुम चाहो तो साथ में दोनों भी ले सकते हो। और हाँ, तुम लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। तो फिर मैंने अपनी वो ट्रिक यूज़ की और मैंने अकाउंट खरीद लिया, और मैंने अकाउंट खरीदते ही सीधा उस अकाउंट पे एक स्टोरी डाली कि मुझे ये पेज बेचना है, तो जिन लोगों को भी खरीदना है वो लोग मुझे DM कर सकते। अब 14 दिन खत्म हो गया था, अब बारी थी आखिरी दिन। तो 5वें दिन पे मैं जल्दी उठा और मैंने देखा कि मेरे एड्स एक्टिव थे, और मैंने जो इंस्टाग्राम पेज खरीदा था उस पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिन लोगों को वो पेज खरीदना था। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, वो 5वां दिन मेरे लिए आखिरी दिन था, शायद से वो मेरे बालों के लिए डू और डाई था। तो सच कहो तो मुझे वो पेज पे 500 प्लस मैसेजेस आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 जन थे जो अच्छी प्राइस ऑफर कर रहे थे, और वो प्राइस थी 13,000 रुपीज। अब वो पेज को मैं और भी हायर प्राइस में बेच सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने वो डील उसी समय डन कर दी। तो उसने मुझे 13,000 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट किया, और फिर मैंने उसे वो जो अकाउंट है उसका पासवर्ड दे दिया, यानी कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम का पेज 5,000 में खरीदा और उसे 13,000 में बेचा, यानी कि हमें आए 8,000 रुपए। और जब ये रुपए आए मुझे शांति मिली, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए कमाने थे, और ये 2,000 रुपए आएंगे ड्रॉप शिपिंग से। तो मेरे एड्स की वजह से करीब 4 बजे मुझे एक सेल आई, और अगर आज मुझे 10,000 रुपए पूरे करने थे तो मुझे एटलीस्ट 7 सेल्स तो चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधा ही दिन था, तो मैंने मेरे स्टोर के लिए एक अफिलिएट प्रोग्राम चलाया। बेसिकली मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को एक लीड दी, तो जैसे ही कोई मेरा फॉलोअर अगर उनके साइड से कस्टमर लाता था तो उन्हें 100 रुपीज का कमीशन मिलता था। मैं ऐसी चीजें डालता रहता हूँ, तो तुम लोगों को भी फॉलो कर देना चाहिए, क्या मालूम तुम्हें भी आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फिर एड्स की वजह से मुझे 2 सेल और आई, और 1 घंटे बाद में मुझे एक अफिलिएट प्रोग्राम से भी सेल आई। तो वो ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर रहा था कि मुझे एक और सेल और आ गई थी। थोड़ी देर बाद में मुझे एक अफिलिएट प्रोग्राम से एक और सेल आई। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचा है, और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरा दोस्त आ गया और इसके हाथ में भी रेजर है। तो अब ओके, तो हमारा चैलेंज खत्म हो चुका है क्योंकि हमें एक सेल आ चुकी है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम लोगों को एक और ऑर्डर आ चुका है, यानी कि मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर दिया है। अब मैं तुम्हें पूरा रिजल्ट समझाता हूं। तो रिजल्ट बताने से पहले एक बार मैं तुम्हें कोर्स के बारे में वापस बता देता हूं। मेरे दोनों कोर्स इंस्टाग्राम साइड हसल्स वाला और ई कॉमर्स वाला अभी अवेलेबल है, तुम लोग जल्दी आ जाओ क्योंकि अगर सारे बैचेस फिल हो गए तो तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से तुम लोग टेलीग्राम पेज पे जाओगे और फिर वहां से तुम लोग मेरा कोर्स ले सकते हो। सच कह रहा हूं, तुम लोग इसमें बहुत स्किल्स सीखोगे और बहुत सारी जीनियस स्ट्रेटजीज भी सीखोगे। तो हम लोगों ने जो इंस्टाग्राम का अकाउंट सेलिंग किया था उसमें हम लोगों ने 8,000 रुपीज का प्रॉफिट किया था, और ड्रॉप शिपिंग में हम लोगों ने 900 रुपीज का डोमेन खरीदा था, 400 रुपीज का एक इंस्टाग्राम पेज खरीदा था और 1,000 रुपीज के एड्स दिए थे, यानी कि हम लोगों का इतना प्रॉफिट हुआ और मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओ और वहां से तुम लोग मेरे कोर्स को भी खरीद सकते हो।